हाय एवरीवन, रिसेंटली इस्लामाबाद में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ूड फेस्टिवल और फूड मेला जो है मुनक्किद किया गया, जिसमें बहुत से डिफरेंट स्टॉल्स लगाए गए जैसे कि आप देख सकते हैं। और ज़्यादातर देसी जो फूड्स थे उनको प्रेफर किया गया। देसी एम्बियंस बनाई गई, देसी ड्रिंक्स, देसी और ऑर्गेनिक फूड्स जो थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। और बड़ा अच्छा एक जो कल्चर का एस्पेक्ट है वो देखने को मिला। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट डिशेस आपको दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट लोग हैं, कल्चर ड्रेसेस हैं, और इस तरीके से बड़ा अच्छे तरीके से इसको डेकोर किया गया। फिर रिसेंटली एक और खूबसूरत कैफ़े में एक शाम म्यूज़िकल इवनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़े अच्छे आर्टिस्ट्स जो थे लोकल, उन्होंने परफॉर्म किया और लोगों से खूब दाद समेटी, और लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय भी किया। और इस तरीके से लोगों की जो इंटरटेनमेंट है उसका भी प्रॉपर इंतज़ाम किया गया, जिसमें अच्छे खाने और अच्छी इन्वायरमेंट, अच्छा माहौल, एक अच्छा सिटिंग, रिफ्रेशिंग प्लेस जो कोविड की सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया, ताकि लोग मिल बैठें और फूड के साथ साथ अच्छे म्यूज़िक को भी एंजॉय कर सकें। और जो लोकल आर्टिस्ट हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म किया और इसको साथ लेकर चले, जो कि बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि सब लोग साथ रहें और इसको एंजॉय करें, और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद लेट नाइट कॉन्सर्ट का एहतमाम भी किया गया, जिसमें लोकल आर्टिस्ट के अलावा पूरे मुल्क से आए गए पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया, और काफ़ी अच्छे और पॉपुलर आर्टिस्ट को भी इसमें इनवाइट किया गया। तो दोस्तों, ये तो था आज का एक ओवरव्यू ऑन द रीसेंट एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स दैट वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीलॉग्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहें एंड एंजॉय।